हाँ तो बच्चों, प्रीवियस सेशन अचानक से एंड हो गया। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो किया था एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में, ठीक है, उसके बीच में हमने डिफरेंस देखा। अब हम क्रेनिएटा के, दैट इज द जो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और उसके बाद हम फिर से यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक एक पॉइंट पे। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था, वर्टिब्रेटा जो कि क्रेनिएटा होता है, ठीक है, क्रेनिएटा का सब फाइलम क्रेनिएटा। ओके, वर्टिब्रेटा, वन सेकेंड। वर्टिब्रेटा, अब बच्चों ये जो वर्टिब्रेटा है, इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ, ठीक है, जॉ जिसको हम जबरा कहते हैं, ठीक है। अगर जॉ प्रेजेंट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, नेथोस्टोमाटा, और अगर जॉ एब्सेंट हुआ तो उसको हम एग नेथोस्टोमाटा कहेंगे, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, JAW, जॉ समझते हो ना। ओके, तो जबरा कहा जाता है, अपर जो लोअर जो, माउथ बक्कल कैविटी में अपर जो एंड लोअर जो, उसे। तो बच्चों, पहला ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं एग्नाथा, AGNATHA, एग्नाथा, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसे हम कहते हैं नाथा और अथोस्टोमेटा। ओके, फर्स्ट जो मैंने कहा उससे हमने क्या कहा था, एग्नाथा, और दूसरा जो है इसे हम नेथोस्टोमेटा कहेंगे, GNATHO, नेथोस्टोमेटा, STOMATA। ओके, और ये हो गया एग्नाथोस्टोमेटा, एग्नाथो। तो ये हो गया विदाउट जॉ, और ये हो जाएगा विद जॉ। यहाँ पे जॉ प्रेजेंट है और यहाँ पे जॉ एब्सेंट है। नाउ साउंड इज क्लियर महबूब आलम? ओके, तो देखो बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा, तो एग्नाथा हो गया विथ जॉ एंड नेथोस्टोमेटा, सॉरी, एग्नाथा हो गया विदाउट जॉ एंड नेथोस्टोमेटा हो गया विथ जॉ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्नाथा का, तो एग्नाथा को हम टू क्लास में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, क्लास CLAS। पहला हो जाएगा ऑस्ट्रैकोडर्मी, OSTRACODERMI, ऑस्ट्रैकोडर्मी विच इज एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट है, दुनिया में नहीं पाया जाता। और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा, CYCLOSTO, साइक्लोस्टोमेटा, MATA, ठीक है, ये पाया जाता है। और अगर हम विथ जॉब वाला का बात करें, दैट इज नेथोस्टोमेटा, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। वन इज स्पाइसेस, PICES, जिसको फिश का ग्रुप कहते हैं हम, और दूसरा हो गया टेट्रापोडा, TETRAPODA, ठीक है, टेट्रापोडा। स्पाइसेस, स्पाइसेस के अब अगर बात करें स्पाइसेस का, तो स्पाइसेस में हमको डिफरेंट क्लास मिलेगा। अब पाइसिस में कौन कौन से क्लास है, तो पहला हो जाएगा प्लैकोडर्मी, PLACODERMI, प्लैकोडर्मी, दिस इज एन एक्सटिंक्ट ग्रुप, और यू कैन से एक्सटिंक्ट क्लास। आफ्टर दैट कॉन्ड्रिक्थिस, CONDRICTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस इज कॉल्ड एज कार्टिलाजिनस फिश, इसमें कार्टिलेज होता है एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन इज नॉट बोनी इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑस्टिक्थिस, OSTEICHTHYES,
ऑस्टिक्थिस जिसको हम बोनी फिश के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बोनी फिश कहलाएगा, BONYFISH, और कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलाजिनस फिश कहते हैं। तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, प्लेकोडर्मी नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया बिकॉज ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है, आपको ऐसे जानना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते टेट्रापोडा का, तो टेट्रापोडा में हमको चार क्लास मिलेंगे इधर, फोर क्लासेस। सबसे पहला हो जाएगा पाइसेस, तो यहाँ चला गया है बच्चों, तो बच गया एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद हमें मिलेगा रेप्टिलिया, देन एप्स दैट इज बर्ड्स, एंड फाइनली द एडवांस वन मैमल्स, ओके, और मैमेलिया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन, प्रेजेंस ऑफ जॉ, पैर जॉ के प्रेजेंस सबसे, अगर जॉ नहीं है तो एग्नेथोस्टोमेटा कहेंगे, अगर जॉ प्रेजेंट है तो नेथोस्टोमेटा कहेंगे, जी इज साइलेंट हियर, ठीक है, तो इसको नेथोस्टोमेटा कहा जाता है। अब एग्नाथा में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा बोथ आर एक्वेटिक, ओके, ये एक एक्सटिंक्ट है, लेकिन ये पाया जाता है, साइक्लोस्टोमेटा पाया जाता है, और साइक्लोस्टोमेटा को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। इसके बाद देखो बच्चों, नेथोस्टोमेटा को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक हो गया पाइसिस और एक हो गया टेट्रापोडा। पाइसिस में हमको तीन क्लास देखने को मिल रहा है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्ट्रेक्टिस। प्लेकोडर्मी को प्लेकोडर्मी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो एक्सोस्केलेटन है वहां पे प्लेकोइड स्केल्स पाया जाता है, और ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ऑस्टिक्थिस को कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, सॉरी, कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, और ऑस्टिक्थिस को बोनी फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट टेट्रापोडा में हमको चार क्लास देखने को मिलेगा, एम्फीबिया दैट इज फ्रॉग से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेप्टिलिया में बहुत सारे लिजर्ड, स्नेक्स एंड ऑल, क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे यहाँ पे, एप्स में आ जाएगा बर्ड्स, ठीक है, और मेमेलिया में हम लोग खुद है, और बहुत सारे मेमल्स पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है, तो ये जिस जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, एप्स भी वार्म ब्लडेड है, और ये तीनों हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये सारे कोल्ड ब्लडेड, और यहाँ पे आ जाएगा ये वार्म ब्लडेड, ओके। तो ये तो हो गया वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ब्रेक देंगे आप लोगों को, लेकिन ये बात है आने वाला जो सेशन है, मीन्स आने वाला जो समय है, उसमें हम एक रेनिएटा को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलता है वो डिस्कस करेंगे, ओके। तो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन बहुत सारे देख लिया हमने, ठीक है, सब फाइलम देखा, फिर वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स में। अब जो सब फाइलम देखा था हमने, दैट इज कॉर्डेटा का, इटोकॉर्डेटा हो गया, सेफालोकॉर्डेटा हो गया, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स और क्रेनिएटा, यू कैन से। तो अब जरा सा कुछ और इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, इसको तो समझने की कोशिश करते हैं, और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं और डिटेल में, ओके। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेनिएटा। देखो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप लोग थोड़ा कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है देन व्हाट कैन वी डू, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज नेटवर्क इज नॉट इन आवर हैंड। ए क्रेनिएटा, जिसका नेटवर्क ठीक है वो अटेंड कर सकता है। अब एक क्रेनिएटा बोलने से हमको क्या पता चलेगा, विदाउट क्रेनियम, ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स का मतलब हो गया यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा। तो सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में। ओके, That is the heart mania. इसका example हो जाएगा बच्चों, ऐसे और भी example दिया था मैंने, इसका जो example आपके NCERT में दिया हुआ है, heart mania, MANIA, heart mania, ठीक है। Now, let's study this diagram, adult or larval stage देखते हैं इसका। Okay, this is the atria, A-T-R-I-A-L, and this is the branchial, B-R-A-N-C-H-I-A-L, branchial.
ये एडल्ट है, ठीक है। और मैंने कहा था कि एडल्ट का जो बॉडी है, एडल्ट के बॉडी के ऊपर हमको प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट और ट्यूनिक। ये देखो इस तरह का, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिक और टेस्ट। इसीलिए इस सब फाइलम को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ओके, हियर देयर विल बी गिल स्लिट्स, यहाँ पे आपको गिल स्लिट्स दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द गिल स्लिट्स। After that, here there will be endostyle. हम बाद में डिस्कस करेंगे endostyle होता क्या है। Endostyle, okay? ये आपको मिलेगा हर्डमेनिया के एडल्ट फॉर्म में, ये सारा स्ट्रक्चर। दिस इज द एडल्ट हर्डमेनिया। ओके, नेक्स्ट, ये एडल्ट किससे बन रहा है? ये एडल्ट बनेगा लार्वा से। This is the larva, okay? और मैंने कहा था आप लोगों को जो लार्वा होता है यूरोकॉर्डेटा का, that will be more advanced as compared to the adult, ठीक है? तो यहाँ पे advanced है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको nerve cord भी दिखने को मिलता है, और जो nerve cord है ये कैसा होता है, hollow होता है, tubular होता है, उसके साथ nerve cord के नीचे हमको notochord भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये लार्वा का कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर होगा, ठीक है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वन बाय वन। ओके, तो ये हो गया बच्चों नर्व कॉर्ड, और ये हो जाएगा नोटोकॉर्ड, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्ड डेटा। ओके, एंड हियर देयर विल बी द गिल स्लिट्स। Okay, now this is the larva. The larva of Hardmania is also called as tadpole. इसके लार्वा को भी tadpole कहते हैं। तो बच्चों confused मत होइएगा। Frog के लार्वा को भी tadpole कहा जाता है और इसके लार्वा को भी tadpole कहा जाता है। Okay, but here what happens? This larva will possess advanced character. Larva possesses advanced कैरेक्टर, और ये एडवांस कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। ओके, एंड दीज कैरेक्टर आर लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होता है तो ये कैरेक्टर लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड आर लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ एडल्ट में हमको ना नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है, ना ही नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एडल्ट हियर शोज व्हाट, दे आर शोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट इज शोइंग रेट्रोग्रेसिव। देखो मैं ये टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ बच्चों, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बिना रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टर्म के ये जो सब फाइलम है कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और इसका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, एडल्ट विल बी सेडेंटरी और डीजेनरेट, ठीक है। सेडेंटरी का मतलब आपको पता है,
SEDENTARY sedentary और degenerate. ओके सेडेंटरी का मतलब क्या होता है? दे विल बी फिक्स्ड, दे विल बी नॉन मोटाइल. ओके तो फिर से मैं एक बार डिस्कस करता हूं इसको. एक रेनिएटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, इसमें हम सबसे पहला सब फाइलम देख रहे थे यूरोकॉर्डेटा जो कि हार्ट मेनिया, इसका एग्जांपल हुआ हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में एनसीईआरटी. ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एडल्ट और लार्वा का डिफरेंसेस देखा. ठीक है, लार्वा में हमको क्या देखने को मिल रहा है, एडवांस कैरेक्टर, लेकिन यही एडवांस कैरेक्टर हमको एडल्ट में देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, एडल्ट क्या शो करता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है. ओके सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेफालोकॉर्डेटा. बट बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक आई विल गिव यू टाइम टू आस्क द क्वेश्चन. ओके तो थोड़ा सा इसको भी रोकते हैं यहाँ पे इस क्लास में. तो बच्चों के मन में यहाँ पे आ रहा होगा कि ये एंडोस्टाइल क्या है. ठीक है, मैंने कहा भी था कि बता दूंगा आप लोगों को. तो बच्चों ये जो एंडोस्टाइल है ये इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है. ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा क्या है, इनवर्टिब्रेट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया यूरोकॉर्डेट्स में आपको एंडोस्टाइल देखने को मिल रहा है और ये जो एंडोस्टाइल है ये ऑर्गेन है जो फिंगर फिटिंग हेल्प कर रहा है. ठीक है, दे हेल्प इन फिल्टर फीडिंग, फिल्टर करके खाने में हेल्प करता है, फिल्टर फीडिंग. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस एंडोस्टाइल इज अ फिल्टर फीडिंग ऑर्गेन. ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर है, इट इज अ फिल्टर फीडिंग ऑर्गेन. ओके, एंडोस्टाइल फिल्टर करके खाने में हेल्प करेगा, पार्टिकल्स को ये फिल्टर करने में हेल्प करता है. तो बच्चों अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है, छोटा सा तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट. सो सेफालोकॉर्डेटा को थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वर्टिब्रेटा स्टार्ट करेंगे. ओके सेफालोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. अब सेकेंड सब फाइलम जो कि सेफालोकॉर्डेटा और ये भी प्रोटोकॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स एज वेल एज एक्रेनिएटा, इसमें भी क्रेनियम नहीं मिलता है, ये भी एक रेनिएटा है. ठीक है, अब इसको भी डायमंड समझते हैं. आप लोग कहोगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सिर्फ डायग्राम डायग्राम डायग्राम. तो बच्चों एक बार बता दें कि डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर यही सिर्फ सेंटेंस में लिखा करके दूं तो आप लोग को बोर लगने लगेगा. सो अब बताने के जरूरत नहीं कि एंटीरियर पोर्शन कौन है और पोस्टीरियर पोर्शन कौन है, आप लोग खुद ही समझदार हो, एंटीरियर पोस्टीरियर खुद से निकाल सकते हो. Here we are going to see the tail. Okay. So students, this is the anterior portion and this is the posterior portion. ये anterior हो गया और ये posterior हो गया. ऊपर वाला हो जाएगा डॉर्सल और ये नीचे वाला हो जाएगा वेंट्रल.
नाउ एंटीरियर पोर्शन में हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है माउथ मिलेगा, ओके वी आर गोइंग टू हैव अ माउथ। सो यहां आप देखो एंटीरियर पोर्शन में आपको व्हील जैसा ऑर्गेन मिल रहा है, इसको हम व्हील ऑर्गेन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हील ऑर्गेन, चक्के की तरह। WHEEL व्हील ऑर्गेन, और यू कैन से सीलिएटेड ऑर्गेन ऑफ मुलर, CILIATED सीलिएटेड ऑर्गेन ऑफ मुलर, मुलर एक साइंटिस्ट का नाम है, MULLER, ठीक है, सीलिएटेड ऑर्गेन ऑफ मुलर। नाउ व्हाट इज इट्स रोल, व्हाट इज दिस व्हील ऑर्गेन और सीलिएटेड ऑर्गेन ऑफ मुलर डज, ठीक है, ये क्या करता है, तो इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स द डिजॉल्व पार्टिकल्स टुवर्ड्स द माउथ, ठीक है, ये माउथ के तरफ डिजॉल्व पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो यहां पे इसका मैं फंक्शन लिख रहा हूं, इट ट्रांसपोर्ट्स डिजॉल्व पार्टिकल्स टुवर्ड्स द माउथ, ओके ये माउथ की तरफ पार्टिकल्स को भेज रहा है, जो पार्टिकल्स डिजोल्व होकर के जा रहा है तो बॉडी में भेजेगा, ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन हुआ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिल स्लिट्स ऑन द वेंट्रल साइड, ये आपको गिल्स देखने को मिल रहा है, गिल स्लिट्स क्या है, गिल स्लिट्स, ओके। आफ्टर दैट एट अबव ऑन द डॉर्सल साइड यहाँ पे आपको एक हुड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके इसको हम ओरल हुड कहते हैं, ORALHOOD ओरल हुड, इट इज अ माउथ लाइक ओपनिंग, मुंह की तरह खुलता है, ठीक है, माउथ लाइक ओपनिंग, ये माउथ लाइक ओपनिंग है जिसको हम ओरल हुड कह रहे हैं। इस ओरल हुड में हमको क्या मिलेगा, पिथ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक गड्ढा मिलता है, ठीक है, जिसको हम हैट्सेस पिथ कहते हैं, HATS hats check CHECK apostrophes hats checks pit PIT, ठीक है, इसका नाम हुआ hats checks pit, ओके यहाँ ये काम मिल रहा है, hats check काम मिल रहा हम लोग को, hats checks pits are present in oral hood, ठीक है, oral hood that is the mouth like opening structure, ओके okay? अब क्वेश्चन ये राय जो रहा होगा कि हैट्सचेक्स पिट्स करता क्या है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या करता है, उसके पहले कुछ और मेन कैरेक्टर उसको देख लेते हैं। अब देखो ये डॉर्सल साइड में आपको यहाँ पे फिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम डॉर्सल फिन कहते हैं, डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, नर्व कॉर्ड कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हॉलो होता है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, ये नर्व कॉर्ड हो गया CORD, और इसके नीचे हमको क्या मिलेगा, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो देखो ऑलरेडी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के बारे में, अब बार बार इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, नर्व कॉर्ड इज हॉलो एंड ट्यूबुलर एंड दिस इज रॉड लाइक सॉलिड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ओके दैट इज द नोटोकॉर्ड। अब ये लास्ट में देखो आपको टेल मिल रहा है, बेसिकली इसको कॉर्डल बोला जाता है, ठीक है, कॉर्डल रीजन में प्रेजेंट है, टेल रीजन में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फिन प्रेजेंट है, टेल, ठीक है, ये टेल हो गया सपोज, ओके नाउ। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज बच गया यहाँ पे, हैट्सचेक्स पिथ होता क्या है, ठीक है, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों देखो मैंने क्या कहा था, हैट्सचेक्स पिथ कहाँ पाया जा रहा है, माउथ लाइक ओपनिंग ऑर्गेन में, जिसको हम ओरल हुड कहेंगे, ठीक है, और ये कहाँ, ये अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूं, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ, आप लोग इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके बाद इसके बारे में, इट इज अ डीप सिलिएटेड फोसा ऑन द डॉर्सल मिड लाइन ऑन द बक्कल कैविटी, ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मिड लाइन, MIDLINE मिड लाइन ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में पाया जाता है, ओके कैविटी। आफ्टर दैट इसका काम क्या है, सो इट सिक्रेट्स म्यूकस व्हिच एंट्रैप्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, सेकंड पॉइंट, इट एंट्रैप्स और ट्रैप्स, एंड ट्रैप्स,
इट सिक्रेट्स म्यूकस, म्यूकस एम यू सी यू एस म्यूकस विच एंट्रैप ई एन टी आर ए पी एस एंट्रैप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। ये पानी से फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज द फिगर ऑफ व्हाट, ये अगर पूछा है किसका फिगर है, ये डायग्राम क्या है, तो अब क्या कहोगे? ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, अनदर नेम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस और लैंडस्लेट, एल ए एन सी ई एल ई टी, ठीक है, लैंडस्लेट भी कहते हैं इसको, ओके। अब लैंडस्लेट क्यों कहा जाता है ऐसे, तो लैंडस्लेट होता है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। दिस लैंडस्लेट इज अ स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट फिश लाइक एनिमल, स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट, टी आर ए एन एस एल यू सी ई एन टी, ट्रांसल्यूसेंट फिश लाइक एनिमल, ठीक है, ये फिश जैसा एनिमल है। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ से लाइट पास होता है, लाइट कैन पास थ्रू बट दिस सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होता लेकिन यहाँ से लाइट पास कर सकता है, ठीक है, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सो दिस इज द डिटेल और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेफालोपोडेटा, ठीक है, which is one of the example of protocordates or acraniata, okay। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर करते हैं, next class हम vertebrata start करेंगे, okay। vertebrata से पहले भी कुछ और है वैसे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। vertebrata का classification मैंने already आपको समझा दिया, तो vertebrata और cyclostomata देखेंगे in the next session। thank you for attending the class, but don't go anywhere।